एक दिन की बात है, बातों ही बातों में राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम से पूछा, अच्छा यह बताओ कि किस प्रकार के लोग सबसे अधिक मूर्ख होते हैं और किस प्रकार के लोग सबसे अधिक सयाने। तेनालीरामा ने तुरंत उत्तर में कहा, महाराज ब्राह्मण सबसे अधिक मूर्ख और व्यापारी सबसे अधिक सयाने होते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, राजा ने कहा। मैं ये बात साबित कर सकता हूं, रामा ने कहा। कैसे, राजा ने पूछा। अभी जान जाएंगे आप, जरा राजगुरु तथाचार्य को तो बुलवाइए। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि राजपुरोहित तथाचार्य को दरबार में तत्कालीन उपस्थित कराया जाए। राजा का संदेशा मिलते ही राजगुरु तथाचार्य भागे भागे दरबार में आए। तेनालीरामा ने कहा, महाराज अब मैं अपनी बात आपको साबित करके दिखाऊंगा, लेकिन इस कार्य के लिए मैं चाहूंगा कि आप उसमें दखल न दें। आप यह वचन दें तभी मैं यह काम करूंगा। राजा ने रामा की बात मान ली और वचन दे दिया। रामा ने आदरपूर्वक राजगुरु से कहा, राजगुरु जी, महाराज को आपकी चोटी की आवश्यकता है, इसके बदले आपको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। अब भाई वर्षों से तेल पिला पिला कर बड़ी की गई अपनी प्यारी सी चोटी को कैसे राजगुरु इतनी सरलता से कटवा दें? लेकिन राजा की आज्ञा को भी कैसे टाला जा सकता था। तथाचार्य ने कहा, पंडित रामा कृष्णा विक्षिप्त हो गए हैं क्या आप? हम अपनी प्रिय चोटी को किसी भी मूल्य पर नहीं कटवाएंगे, समझे आप। इसी बीच तथाचार्य के शिष्य धनी बनी तथाचार्य को ये सुझाव देते हैं कि गुरुजी विचार उच्च है, ऐसा अवसर पुनः नहीं मिलेगा, और तथाचार्य दोनों को एक एक थप्पड़ लगाकर चुप रहने का आदेश देते हैं। इसी बीच पंडित रामाकृष्ण बोल पड़ते हैं। रामा कहते हैं, गुरुवर आपने वर्षों से और जीवन भर महाराज का नमक खाया है, चोटी कोई ऐसी वस्तु तो है नहीं जो फिर कभी वापस ना आ सके, इसलिए महाराज मुंह मांगा इनाम भी दे रहे हैं, तो मौके का लुत्फ उठाइए। राजगुरु मन ही मन समझ गया कि ये पंडित रामाकृष्ण की चाल है। रामा ने पूछा, गुरुवर आपको चोटी के बदले क्या इनाम चाहिए? तथाचार्य ने मन ही मन सोचा कि वो खूब सारा धन राजा से ऐंठ ले, लेकिन फिर उसकी प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लग सकता था, इसलिए ज्यादा लालच न करते हुए तथाचार्य ने कहा कि मेरे लिए तो 5 स्वर्ण मुद्राएं ही अधिक होंगी। और राजा के आदेश अनुसार राज पुरोहित तथाचार्य को 5 स्वर्ण मुद्राएं दे दी गई और नाई को बुलाकर उनकी चोटी को कटवा दिया गया। अब तेनालीराम ने नगर के सबसे प्रसिद्ध व्यापारी को बुलाया। तेनालीरामा ने व्यापारी से कहा, महाराज को तुम्हारी चोटी की आवश्यकता है। व्यापारी बोला कि सब कुछ महाराज का, वो जब चाहे जो चाहे वो ले सकते हैं, परंतु एक बात का ध्यान अवश्य रखना कि मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ। राजा ने व्यापारी से कहा कि तुम पूर्णतः निश्चिंत हो जाओ, तुम जो कुछ भी मांगोगे हम तुम्हें वो दे देंगे। व्यापारी बोला, सब आपकी ही तो कृपा है, लेकिन फिर रामा बोले, संकोच न करो, जो कुछ भी कहना चाहते हो स्पष्ट शब्दों में कहो। व्यापारी बड़ा ही चतुर था। इस पर व्यापारी बोला, जी दरअसल बात ऐसी है कि मैंने अपनी बेटी का विवाह किया था, तो अपनी चोटी की लाज रखने के लिए पूरी 5,000 स्वर्ण मुद्राएं खर्च की थी। पिछले साल मेरे पिता की मृत्यु भी हो गई थी, तब भी इसी कारण 5,000 स्वर्ण मुद्राओं का खर्च हुआ था, और अपनी इसी प्यारी दुलारी चोटी के कारण ही बाजार से कम 5,000 स्वर्ण मुद्राओं का उधार भी मुझे मिल जाता है। अपनी चोटी पर हाथ फेरते हुए व्यापारी ने कहा, इस तरह तुम्हारी चोटी का मूल्य 15,000 स्वर्ण मुद्राओं जितना होगा, ये रामा ने कहा। इस पर व्यापारी सहमत हो गया, यह मूल्य तुम्हें दे दिया जाएगा। 15,000 स्वर्ण मुद्राएं व्यापारी को दे दी गई। व्यापारी चोटी मुंडवाने बैठा, जैसे ही नाई ने चोटी पर उस्तरा रखा, व्यापारी कड़क कर बोला, संभल कर नाई के बच्चे, जानता नहीं है महाराज कृष्णदेव राय की चोटी है। और भाई ये बात सुनकर राजा कृष्णदेव राय आग बबूला हो गए। उन्होंने आदेश दिया कि तुरंत इस व्यापारी को धक्के मार कर राज्य से बाहर निकाल दिया जाए।
ये सिरफरा यहाँ राज्य में फिर से दिखना नहीं चाहिए। व्यापारी 15,000 स्वर्ण मुद्राओं की थैली को लेकर वहां से भाग निकला। कुछ देर बाद तेनालीरामा ने कहा, आपने देखा महाराज, राजगुरु ने तो 5 स्वर्ण मुद्राएं लेकर अपनी चोटी मुंडवा ली। और वही दूसरी ही तरफ व्यापारी 15,000 स्वर्ण मुद्राएं भी ले गया और चोटी भी नहीं मुंडवाई। अब आप ही बताइए, ब्राह्मण सयाना हुआ कि व्यापारी? राजा ने कहा, सचमुच आपने सत्य ही कहा था पंडित रामकृष्णा। तो दोस्तों, इस कहानी में तो सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। एंड उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आप आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिस ना कर पाएं।